नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी तड़का में। आपके साथ मैं हूं संजीवनी चौधरी। आइए बढ़ते हैं अपनी फिल्मी तड़का की तड़कती वड़कती पहली खबर की ओर। भारतीय सिनेमा में कई ऐसी दिग्गज हसीनाएं रही हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों पर खूब राज किया। इन एक्ट्रेसेस का स्टारडम केवल भारत तक ही सीमित न रहकर विदेशों में भी फैला। ऐसी एक हसीना थी मीना कुमारी। मीना कुमारी न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि एक्टिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर थी। हिंदी सिनेमा में उनका बड़ा योगदान रहा है। एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। एक्ट्रेस ने पियाघर राजा, श्री गणेश महिमा, परिणीता और बेजू बावरा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से खूब नाम कमाया। मीना कुमारी केवल अपने प्रोफेशनल जिंदगी ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रही थी। अब दिग्गज एक्ट्रेस मीना कुमारी की जिंदगी पर मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बायोपिक बनाने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस बायोपिक में एक्ट्रेस कृति सैनन मीना कुमारी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। फिलहाल फिल्म स्क्रिप्टिंग स्टेज पर है और उसके बाद फिल्म की कास्टिंग की जाएगी। बाद में मीना कुमारी की जिंदगी पर बन रही बायोपिक शूट होगी। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन भी खुद मनीष मल्होत्रा ही करेंगे। वहीं फिल्म को टी सीरीज प्रोड्यूस करने वाली है। बता दें कि इस फिल्म के जरिए डिजाइनर मनीष मल्होत्रा निर्देशन में भी अपना डेब्यू करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आदित्य चोपड़ा के YRF की स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट की एंट्री को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स फीमेल लीड वाली स्पाई फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं और इस फिल्म में आलिया भट्ट लीड रोल में हो सकती हैं। इस स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म में आलिया भट्ट ऐसे अवतार में नजर आएंगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया होगा। फिल्म में आलिया भट्ट खतरनाक स्टंट करती हुई नजर आने वाली है। आलिया भट्ट और आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस YRF की पहली फिल्म होगी। इस फिल्म के साल 2024 में फ्लोर पर जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि आलिया भट्ट के नाम इससे पहले दो स्पाई जॉनर की फिल्में दर्ज हैं। आलिया भट्ट फिल्म राजी में नजर आ चुकी हैं। अब आलिया भट्ट हॉलीवुड फिल्म हर्ट ऑफ स्टोन में नजर आएंगी। खैर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। फैशन आइकन उर्फी जावेद अपनी अतरंगी अंदाज और अजीबोगरीब आउटफिट से फैंस के होश उड़ा देती हैं। उर्फी अपने बेबाक बयानों को लेकर काफ़ी फेमस हैं। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती नजर आती हैं। अब उर्फी जावेद के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो उर्फी जावेद जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। खबर है कि उर्फी को एकता कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म लव सेक्स और धोखा 2 के लिए अप्रोच किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्फी को लव सेक्स और धोखा 2 के लिए अप्रोच किया गया है। वो लीड कैरेक्टर के रोल में एकदम फिट बैठती हैं। उर्फी इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर सकती हैं। इस खबर के सामने आने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है। लेकिन अभी तक तो मेकर्स और ना ही उर्फी जावेद की तरफ से लव सेक्स और धोखा 2 में काम करने के लिए कोई आधिकारिक घोषणा हुई है। अब फिर बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जवान के ट्रेलर में शाहरुख खान के गंजे लुक ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। जब से ट्रेलर आउट हुआ है फैंस लगातार सोशल मीडिया पर इसे कोई ना कोई पोस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड के किंग खान की एक्टिंग को लेकर ट्विटर पर घमासान मचा हुआ है। जवान के ट्रेलर की सक्सेस के बाद फैंस के उत्साह को देखते हुए शाहरुख खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर #AskSRK सेशन आयोजित किया। उन्होंने फिल्म और इससे जुड़े कई मुद्दों पर सवाल के जवाब दिए। फिल्म में उनके लुक के बाद फैंस के साथ उनके इंटरेक्शन ने फॉलोअर्स का दिल जीत लिया है। एक ट्विटर यूजर ने फिल्म की टाइमिंग के बारे में पूछा, जिस पर एक्टर ने जवाब दिया, आपके पास कितना टाइम है उतनी ही देख लेना भाई, बहुत बिजी लगते हो। एक अन्य यूजर ने पूछा, गुरुजी बारिश में जवान होते हो या नौजवान, जिस पर शाहरुख खान ने लिखा, आपके सवाल से लग रहा है कि आप बारिश में यंग होते हो। वहीं AskSRK सेशन के समापन के दौरान शाहरुख खान ने फिल्म के अनदेखे पोस्टर को अनवील किया है। SRK ने इससे पहले AskSRK सत्र से पहले कभी ऐसा नहीं किया है, इसलिए इस बार उनका ये इशारा उनके सभी फैंस के लिए बेहद खास है। शाहरुख खान ने जवान के नए शानदार पोस्टर को अनवील किया है जिसमें उनका गंजा लुक दिखाई दिया जो जवान प्रीव्यू के बाद बेहद पॉपुलर हो गया है। अभी के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे ऐसी तड़कती भड़कती खबरों के साथ फिल्मी तड़का में सिर्फ N27 न्यूज पर। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।